तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर गाड़ी वाली के एक और नए फिर स्टूडियो में। आपके सामने खड़ी है वैगनार एलेक्साई CNG। ये है मिडिल क्लास लोगों की पहली पसंद, क्योंकि इसके अंदर ना तो ये 4 सीटर होती है ना तो ये 5 सीटर होती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में 4 सीटर 5 सीटर वाला कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे इसमें इस गाड़ी के अंदर अनलिमिटेड बंदे भर सकते हो आप, जैसे ही आपकी कैपेसिटी है, और चलने के मामले में कोई नखड़ेबाजी नहीं करती है, और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली ये गाड़ी होती है। पॉकेट पर कोई जोर नहीं देती, क्योंकि ये 1 किलो CNG में लगभग 30 का एवरेज तो आपको आराम से निकाल के दे ही देती है, और सबसे ज़्यादा टैक्सी में भी इस्तेमाल होती है। मतलब एक रिलायबल गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले फ्रंट लुक से। तो यहाँ पे फ्रंट देख सकते हो कैसा बॉक्सी शेप आपको मिल जाता है, क्रोम का ट्रीटमेंट आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको इंडिकेटर रिप्लेसमेंट मिल जाती है, उसके नीचे आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिल जाती है, यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सोबर आपको मिल जाता है, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं दिखाई गई है। तो कैसा क्या आपको लगता है इसका फ्रंट लुक, कमेंट में बताना। फ्रंट में आपको लोगो सुजुकी का देखने को मिल ही जाता है, वॉशर आपको वाइपर देखने को मिल जाता है, साइड में CNG का लोगो आपको मिल जाता है। बात करते हैं टायर साइज की। तो यहाँ पे आपको जो टायर साइज है वो आपको मिल जाता है 155/80/13, यानी 13 इंच का जो है स्टील लिम आपको देखो मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको वीडियो में शो हो जाएगी, स्क्रीन पर डायमेंशंस भी साथ में शो हो जाएंगी गाड़ी की। ए प्लर, बी प्लर और सी प्लर भी आपको बॉडी कलर मिलता है। ORBMs जो हैं वो मैट ब्लैक मिलते हैं, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में आपको मिलेंगे, बाहर से ही आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे अपने हिसाब से। जो डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक मिल जाते हैं, मैट ब्लैक के साथ में आते हैं। और बात करते हैं रियर की, तो रियर की जो टेल लाइट है वो भी आपको बल्ब्स में मिल जाती है। सेंटर में आपको वैगनार लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि क्रोम में रहने वाला सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। CNG का आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको मिल जाएगा जो कि बल्ब्स में रहने वाला है। LED का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई भी आपको स्पॉइलर नहीं मिलता, ना ही आपको कोई एंटीना मिलता है, और ना ही आपको कोई रूफ रेल भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जो कि आपको बहुत हैं आपके लिए, दो हैं वो आपके लिए बहुत हैं। यहाँ पे आपको चाबी लगाने की जगह मिल जाती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर और दिखाते हैं आपको और क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑल ब्लैक तो डोर आपको मिल जाता है, फ्रंट पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं, और जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटो डाउन के साथ आपको मिल जाती है। ब्लैक डोर हैंडल्स आपको दिए गए हैं, स्पीकर की जगह आपको मिल जाती है, बोर्ड रखने की जगह आपको दी गई है, और डॉक्यूमेंट भी आप अपना यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, फाइल वगैरह। सीट जो है वो फैब्रिक आपको मिल जाते हैं, कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता इस वेरियंट के अंदर। और यहाँ पे CNG का बटन आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाएगा। स्टेयरिंग की बात कर लें यहाँ पे, तो सिंपल स्टेयरिंग आपको मिल जाता है, जो कि इस एयरबैग के साथ में आपको मिलेगा। और खिड़की बंद कर लेते हैं पहले, खिड़की यानी विंडो बंद कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स आपको मैनुअल देखने को मिल जाते हैं, 5-स्पीड मैनुअल गियर लीवर आपको मिल जाता है। पोजीशन जो है गियर लीवर की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है मुझे वैगनार की, क्योंकि एकदम बढ़िया जगह पर जब ड्राइव करोगे ना आप, मज़ा आ जाएगा मतलब गियर डालने में। और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल ही जाता है, और थोड़ी सी स्टोरेज आपको यहाँ दी गई है। AC वेंट्स जो है वो, ये इसकी जो पोजीशन है ना वो कुछ खास मुझे अच्छी नहीं लगती। बाकी आपका क्या ख्याल है आपको हमें कमेंट्स बताना है। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल, और ये है आपके लाइट्स के। सेंटर में आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि आपको स्पीडोमीटर बताता है कि कितनी क्या स्पीड है। छोटी सी स्क्रीन है, इसमें आपको सारी फ्यूल की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारी वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं चारों तरफ। और सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है, कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है स्टेयरिंग के अंदर। एयरबैग आपको एक यहाँ पे भी देखो मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात कर लें तो डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, कोई भी एक डायरी वगैरह आराम से रख सकते हैं, चाबी वगैरह रखनी है या बोतल वगैरह रखनी है तो वो आप यहाँ रख सकते हैं। लाइट्स के कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं, को ड्राइवर साइड आपको कुछ भी नहीं मिलता, और ड्राइवर साइड भी आपको बस एक टिकट होल्डर दिया गया है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। IRBM नॉर्मल मिलता है, कोई भी डे नाइट फीचर के साथ आपको नहीं मिलेगा। जो ग्रैब हैंडल है वो फिक्स्ड मिलते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो जो सीट का कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मिल जाता है। अब चलते गाड़ी के रियर में दिखाते हैं रियर का कम्फर्ट कैसा क्या आपको मिल जाता है। ज़्यादा बात है नहीं इस गाड़ी के अंदर करने के लिए, क्योंकि ये इतनी मतलब
फ्यूचरिस्टिक पसंद नहीं है लोगों की, मतलब जो अगर ज़्यादातर लोग लेते भी हैं तो वैगनार का एलेक्सा ही मॉडल लेते हैं, क्योंकि उसको आफ्टर मार्केट जो मॉडिफिकेशन कराने में मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता, ठीक है। तो ज़्यादातर बंदे यही खरीदते हैं एलेक्सा ही, और बाहर जाके अपना हिसाब से अपना मॉडिफाई करा देते हैं। चलिए अब चलते हैं रियर में, और रियर में दिखाते हैं आपको कैसा क्या देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब गाड़ी के रियर में चलते हैं, और यहाँ पे आपको जो डोर है वो ऑल ब्लैक मिलता है, जो यहाँ पे पावर विंडो आपको नहीं मिलती, मैनुअल एडजस्टमेंट आपको मिलेगी, ब्लैक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बोर्ड रहने जगह आपको मिल जाती है, स्पीकर की जगह आपको मिल जाती है, स्पीकर आपको नहीं मिलेगा, और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी है उसके लिए माइंड मत करना, क्योंकि भाई साहब गाड़ियाँ ऐसे ही आती हैं स्टॉक यार्ड में। स्पेस देखो, आप स्पेस देख रहे हो, मारुति बस इसी चीज़ के लिए जानी जाती है भाई साहब ये गाड़ी, और किसी चीज़ के लिए नहीं जाती है। एक बंदा आप यहाँ पे भी लिटा के लेके जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल भी डिमांड नहीं करती गाड़ी किसी चीज़ के लिए भी। यहाँ पे आपको टूल किट रखी हुई देखने को मिल रही है, पर जब आप डिलीवरी लेते हैं तो ये आपको पीछे जब आपका बूट है उसमें आपको एडजस्टमेंट करके दे देते हैं ये। तो यहाँ पे फिक्स जो है वो हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं चारों सीट्स पे, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं, कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल ये है गाड़ी का रियर। तो रियर में और कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए, 100% स्प्लिट सीट जो है वो आपको मिल जाती है रियर में, कोई भी आगे यहाँ पे बोर्ड जगह आपको नहीं मिल जाती। जो सेंटर बम्प है वो भी एवरेज साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से जो तीसरा जो पैसेंजर बैठेगा सेंटर में वो आराम से बैठ जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं गाड़ी के बूट में, दिखाते हैं बूट में सिलेंडर रखने के बाद कितनी जगह बच जाती है। तो चलिए गाड़ी का बूट दिखाते हैं कि कितना क्या आपको बूट मिलता है। तो जैसे अपना बूट ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे एक अच्छी बात मिलती है, यहाँ पे आपको एक पार्सल ट्रे दी गई है एलेक्सा मॉडल के अंदर, जो कि कई कंपनियाँ नहीं देती हैं, पर ये कंपनी दे रही है आपको, इसलिए ही मारुति जानी जाती है। यहाँ पे आपको स्पेयर टायर मिल जाता है, ठीक है, और ये है आपका सिलेंडर। सिलेंडर जो है वो 7 से 8 किलो गैस यानी कि 60 लीटर कैपेसिटी के साथ आपको मिल जाता है, जो कि 7-8 किलो गैस आराम से बन जाएगी इस गाड़ी के अंदर, और अच्छा खासा एक छोटा मोटा बैग ना आराम से यहाँ पे फिट बैठ जाता है सिलेंडर के ऊपर, और छोटा मोटा बैग जो है वो आपके साइड में आराम से आ जाएगा। तो स्पेस की कोई कमी नहीं, यहाँ पे स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, थोड़े बहुत बैग तो आराम से चले ही जाएंगे, मतलब छोटे मोटे बैग तो आराम से चले ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और बाकी छोटे मोटा जो लगेज है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आपके पार्सल ट्रे के ऊपर लगी जाती हैं। तो स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी है गाड़ी। और अब चलते हैं, इसे करते हैं बंद और वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। इस गाड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट से जो बता देना, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देख के चले जाते हो, हमें मोटिवेट कैसे करोगे आप जब आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।